प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस्पात नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 15 तारीख को रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद यहां बनने वाले 2 एकड़ में वृद्धाश्रम की आधारशिला भी रखेंगे। हमने स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और 2 एकड़ में वृद्धाश्रम बनाने वाले मुकेश श्रीवास्तव से बात की, देखिए इस रिपोर्ट को। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 फरवरी को बहुप्रतीक्षित प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट का भूमि पूजन कार्यक्रम रीवा में करने के बाद रौसर पिपरा गांव में बनने वाले बहुप्रतीक्षित वृद्धाश्रम का भूमि पूजन भी करेंगे। इस बारे में केंद्रीय मंत्री की स्वीकृति आ चुकी है। जिस जगह पर वृद्धाश्रम बनना है उस जगह पर पहुंचकर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित अधिकारियों ने निरीक्षण किया। 2 एकड़ में वृद्धाश्रम का नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के नाम से रखा है, उनके करीबी रहे मुकेश श्रीवास्तव ने, जिन्होंने अपनी जमीन में यह वृद्धाश्रम बनाने का निश्चय किया है। हमारी टीम ने पिपरा गांव पहुंचकर पूर्व विधायक सहित वृद्धाश्रम बनाने वाले मुकेश श्रीवास्तव से बात की। जिस तरीके से वृद्धाश्रम की ड्राइंग डिजाइन बनाई गई है, माना जा सकता है इस इलाके का, या यूं कहा जाए प्रदेश का एक बेहतरीन वृद्धाश्रम बनेगा, जहां वृद्धजन अपना अंतिम वक्त काट सकेंगे। हमने उस जगह का भी दौरा किया, हम आपको दिखाते हैं वह जगह और बात करते हैं मुकेश श्रीवास्तव और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से। 15 का प्रस्तावित जो हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम होने इस दौरान सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान जी? रीवा एयरपोर्ट की जो सौगात मिली है हम सबको, उसका भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सिंधिया जी दोनों इसमें शिरकत करेंगे। और जो हम सबका सपना था कि यहाँ से नियमित हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं, एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण उन तमाम संभावनाओं का को एक्सप्लोर हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी को हम सब धन्यवाद देते हैं। और कल भूमि पूजन के बाद युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाएगा, और 2-3 सालों के अंदर ही ऐसा लगता है कि यहाँ इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट के रूप में हमारा रीवा स्थापित होगा, ऐसा हम सबको भरोसा है। बड़ी अच्छी बात है कि ये वाइड चल रही थी कार्यक्रम, और ऐसा मतलब पवित्र कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें एक ऐसे व्यक्ति दो हमारे बीच में आए हैं, एक हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय अजय सिंह जी, जो कि उनका मैं स्वागत करता हूँ माधवराव सिंधिया से, और हमारे एक ऐसे जितनी बात आपसे भाई मैंने की है एयरपोर्ट को लेके, तो उसका जिसका हमने को मैंने कहा कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जिस तरीके से महाराज के पास में दबाव बना के उनसे निवेदन करके और इतना बड़ा काम रीवा के लिए दिया, कि जिस तरीके से इसकी कैपेसिटी बढ़ी लोगों की, आपसे मैंने बताया यहाँ के लोगों के पैसे की क्षमता बढ़ी, और यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से और सारे दृष्टिकोण से जो है इतना बड़ा एयरोड्रम का निर्माण हुआ, और इसमें जो सहयोग राजेंद्र शुक्ला जी ने जिसे युद्ध स्तर पर मैंने दिल्ली भोपाल एक करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने एकजुटता के साथ जिस तरीके से इस एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए महाराज आ रहे हैं, और उनका ये पुराना कमिटमेंट था रौसर आने का, पिछली बार भी आए थे तो बोले मुकेश मुझे चलना है, तो यहाँ वो आ रहे हैं। वृद्धाश्रम उनके नाम से यहाँ बन रहा है, उसका भूमि पूजन होगा, और हमारे इस कार्यक्रम में और भी मंत्रीगण आ रहे हैं, और बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें एक सभा भी होगी, इसमें कि इस कार्यक्रम की जो हमारे जितने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, रीवा विधायक, इनका पूरा सहयोग हमें मिला है, और हम इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। और रीवा के तमाम हम खिलाड़ियों से और हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, और रीवा की और जो रौसर पिपरा बेला तमरा रीवा शहर के जो हमारे लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भी पहुँचें और एयरोड्रम भी आए। धन्यवाद।